नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी में है और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है भोपाल से, पंचायत कर्मियों की हड़ताल आज भी जारी है। लगातार पंचायत कर्मी हड़ताल पर रहते हुए पंचायत कर्मियों की हड़ताल का आज 13वां दिन है। प्रदेश की 23,000 पंचायतों में कामकाज ठप पड़ा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पंचायत कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। पंचायत कर्मियों की हड़ताल का आज 13वां दिन है। प्रदेश की 23,000 पंचायतों में कामकाज ठप पड़ा हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर जी, पंचायत कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है, 13वां दिन है आज, और प्रदेश की 23,000 पंचायतों में कामकाज ठप पड़ा हुआ है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पंचायत कर्मियों की हड़ताल है जो वो आज 13वां दिन जारी है। निश्चित तौर पर वेतन संगति पदोन्नति सहित तमाम मांगों को लेकर इनके द्वारा हड़ताल की जा रही है। आज 13वां दिन है। 23,000 पंचायतों में पूरी तरह से कामकाज ठप पड़ा है। 350 से ज्यादा जनपद पंचायत है, वहाँ कामकाज ठप पड़ा है। अपनी मांगों को लेकर ये लगातार राम मन में, ऐसे में सरकार की तमाम योजनाएं हैं, खासतौर पर गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाएं हैं, वो पूरी तरह से ठप पड़ गई है। आम आदमी का, गाँव के, ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों का, आम लोगों का, जो पंचायतों से संबंधित कामकाजों पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ। ऐसे में जब अन्न उत्सव मनाया जाना है 7 तारीख को, तब देखना होगा कि इस जो अन्न उत्सव मनाया जा रहा है, वृहद स्तर पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, कह सकते हैं कि सैकड़ों हजारों लोगों को जब अन्न बांटा जाएगा तो कितना फर्क पंचायतों की हड़ताल से पड़ता है। जी शुक्रिया अंकुर जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। पंचायत कर्मी लगातार हड़ताल कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, और आज 13वां दिन है पंचायत कर्मी की हड़ताल का, जिससे प्रदेश की 23,000 जो पंचायतें हैं उनमें कामकाज पूरे तरीके से ठप पड़ा हुआ है।